रुक करते हैं वॉर सुपर फास्ट का। रूस और यूक्रेन के बीच आ चुकी चौथे दौर की वार्ता, बेलारूस में हुई अब तक तीनों दौर की बैठक बेनतीजा। जेलेंस्की का यूक्रेन नागरिकों को संदेश, यूक्रेन के लोगों का हौसला बढ़ाया, कहा हम जीतेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग, रूसी सेना के हवाई हमले जारी, कई शहरों में भीषण तबाही। यूक्रेन के मिकोलेव में भारी बमबारी, रिहायशी इलाकों पर हवाई हमला, कई घर हुए तबाह। रूसी सेना के एयर स्ट्राइक से भारी नुकसान, कई इमारतों को भारी नुकसान, मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। कीव में रूसी सेना के हवाई हमले का नया वीडियो सामने आया, धमाके के बाद रिहायशी इमारत में आग। यूक्रेन सेना ने रूसी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, सैन्य सामान हुए तबाह, यूक्रेन ने जारी किया वीडियो। कीव में विमान बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर एक के बाद एक कई धमाके, अब तक नहीं बुझा सकी आग। यूक्रेन के कादिरोव में रूसी सेना का कब्जा, कब्जे के बाद रूसी सैनिकों की रेड। रूस ने यूक्रेन युद्ध में उतारी चेचन्या की फौज, कीव के नजदीक देखी गई चेचन्या आर्मी, रूसी मीडिया का दावा, कीव में मौजूद चेचन्या आर्मी का चीफ। मारियुपोल में रूस का ताबड़तोड़ हमला, रूसी सैनिकों ने सैन्य वाहनों को आग लगाई, मारियुपोल के सिटी काउंसिल ने किया दावा। यूक्रेन के होस्टमुल एयरपोर्ट पर एक बार फिर से आग लगी, आग बुझाने में जुटे फायर फाइटर्स। मारियुपोल में रूसी सेना का एयर स्ट्राइक, एक महिला की मौत। यूक्रेन को रूस से बचाने के लिए जंग के मैदान में महिलाएं भी सामने आई, कीव में फायर फाइटर लेडी की तस्वीरें सामने आई जिसने यूक्रेन की रक्षा के लिए हथियार उठाया। युद्ध के 19वें दिन रूस का बड़ा दावा, यूक्रेन के 3920 सैन्य बेसिस को तबाह किया, 1267 टैंक, लड़ाकू वाहन नष्ट किए, यूक्रेन सेना को भारी नुकसान पहुंचा। खार्किव में भारी बमबारी जारी, लोगों को अलर्ट रहने के लिए सायरन बजाए गए, घर में रहने की अपील। यूक्रेन के चनहीव में जिंदा बम बरामद, रिहायशी इमारत के अंदर बम रखा था, यूक्रेन सेना ने बम डिफ्यूज किया। पश्चिमी यूक्रेन में सैन्य अड्डे पर रूस का हवाई हमला, हमले में 35 लोगों की मौत, 134 घायल। जेलेंस्की ने की रूसी हवाई हमले की निंदा, 35 लोगों के मरने की बात को स्वीकारा। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर, यूक्रेनी सेना ने रूस के 7 विमान गिराने का दावा किया, रूसी विमानों पर दागे एंटी क्राफ्ट मिसाइल। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अस्पताल का दौरा किया, घायल सैनिकों से की मुलाकात। रूस ने चीन से सैन्य मदद मांगी, यूक्रेन में युद्ध के लिए चीन से मदद मांगी, युद्ध लड़ने के लिए सैन्य और आर्थिक मदद। अमेरिका और चीन के बीच आज बड़ी अहम बैठक, रोम में मिलेंगे दोनों देशों के उच्च सलाहकार, रूस और यूक्रेन के बीच मौजूदा हालात को लेकर के चर्चा। जेलेंस्की ने दोहराई नो फ्लाई जोन की मांग, नेटो को चेतावनी देते हुए कहा नेटो देशों की सीमा में भी गिर सकती है रूसी मिसाइल। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हवाई हमला जारी, जान बचाने के लिए लोग शेल्टर में छिपे दिखे। यूक्रेन का रूस पर बड़ा आरोप, सरकारी इमारतों को निशाना बना रही है रूसी सेना, गोलीबारी में 6 अस्पताल तबाह किए गए, 6 स्वास्थ्य कर्मी मारे गए। सुमी में रूसी सेना की बमबारी, रात में हुई बमबारी से 3 लोगों की मौत, ओखतका में रूसी सेना ने की बमबारी। यूक्रेन में अमेरिकी पत्रकार की हत्या, हमला किसने किया फिलहाल इसकी जानकारी नहीं, एक अमेरिकी पत्रकार बुरे तरीके से घायल।
जंग के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा रूस के हमले को लेकर नेटो को किया था सचेत। ज़ेलेंस्की की यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल से बातचीत, तो वित्तीय सहायता ईयू की सदस्यता को लेकर चर्चा। खार्किव में यूक्रेनी सेना के मजबूत गढ़ पर हमला, रूसी सेना ने दागी मिसाइल। यावोरिव में यूक्रेन के ट्रेनिंग सेंटर पर रूस का हमला, 180 विदेशी लड़ाके मार गिराने का दावा किया। अमेरिकी विदेश उप सचिव का बड़ा बयान, कहा रूस से बातचीत के लिए संकेत, यूक्रेन को तबाह करना चाहता रूस। बराबरी में गोलीबारी के बाद बिगड़े हालात, फूड डिपो में आग लगी, आसमान में धुएं के बाद अच्छा। जर्मनी में रूस यूक्रेन युद्ध के खिलाफ प्रदर्शन, बर्लिन में हजारों प्रदर्शनकारियों ने शांति की अपील की। रूस के यूक्रेन में हवाई क्षेत्र पर कब्जे का दावा, रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के इरपिन में रूसी हमले जारी, यूक्रेनी सैनिकों के मुताबिक गोलीबारी के जरिए डराना चाहती है रूसी सेना। यूक्रेन से लगातार पलायन जारी, नेक्स्टा टीवी के मुताबिक 17 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण। चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में बिजली बहाल, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जानकारी दी। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस का ट्वीट, कहा यूक्रेन में हजारों लोगों को आपातकालीन सहायता की जरूरत, लोगों के लिए खोले जाएं रास्ते। युद्ध के बीच भावुक कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, कीव छोड़ने से पहले पियानो बजा रही बच्चे। यूक्रेन के इरपिन में गोलीबारी का वीडियो जारी, रूस की एयर स्ट्राइक के बीच इरपिन शहर छोड़कर भागने को मजबूर लोग। युद्ध को लेकर संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान, संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 27 लाख शरणार्थियों ने देश छोड़ा। यूक्रेन पर रूस ने तेज किए हमले, रूसी सेना ने माइक्रोवेव में एक स्कूल पर बरसाए बम। मारीपुल में रूसी सेना का बड़ा हमला, हमले में अब तक 2100 लोगों की मौत, मारीपुल के मेयर ने दावा किया। यूक्रेन ने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का बयान, कहा यूक्रेन में अब तक करीब 1,25,000 लोगों को ह्यूमन कॉरिडोर के जरिए निकाला गया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, वीडियो में रूस की ड्रोन एयर स्ट्राइक दिखाई गई। यूक्रेन के मारीपोल में रिहायशी इलाके में गोलीबारी, इमारतों को बनाया जा रहा है निशाना, यूक्रेन लगातार रूस पर लगा रहा है हालात खराब करने का आरोप। रूस के ड्रोन से रिकॉर्ड हुए तबाही के निशान, यूक्रेन के इज्यूम शहर के पास रूस ने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम लॉन्च किया। यूक्रेनी सैनिकों ने बख्तरबंद गाड़ियों को किया तबाह, दोनेत्स्क लुहांस्क के ज्यादातर हिस्से रूस के कब्जे में। वोल्नोवाखा में रूस के हमले के बाद की तस्वीर, यूक्रेन की सेना की गाड़ियां खाक, तस्वीरों में दिखे यूक्रेन के ध्वस्त हुए सैन्य उपकरण। कीव में हमले का अलर्ट जारी, सायरन बजाकर लोगों को किया अलर्ट, लोगों को बंकरों में रहने को कहा गया। ग्राउंड जीरो पर मौजूद जी मीडिया संवाददाता अनस मलिक। रूस का शक्ति प्रदर्शन जारी, यूक्रेन में जारी जंग के बीच एडमिरल गोर्शकोव क्लास के युद्ध पोत से की हाइपरसोनिक मिसाइल की लॉन्चिंग। यूक्रेन के चिन्हीव की तबाही के बाद की तस्वीर, रिहायशी इलाकों पर भी निशाना, हमले के बाद इमारत में लगी आग, लोगों को रेस्क्यू किया गया। रूस को भारी नुकसान से यूक्रेन के दावे झूठे, रूस ने लगाया आरोप, कहा फेक तस्वीरों के जरिए सैन्य नुकसान को लेकर के अफवाह फैला रहा है यूक्रेन। यूक्रेन में लगातार बिगड़ते सुरक्षा हालात के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, यूक्रेन में भारतीय दूतावास को अस्थायी रूप से पोलैंड में किया जाएगा शिफ्ट। इल्जियम शहर के ऊपर उड़ रहे विमान को मार गिराया गया, विमान का क्रू बाहर निकला, हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि यह रूस का था या यूक्रेन का प्लेन।
यूक्रेन के विदेश मंत्री का दावा, रूस के युद्ध अपराधियों में एक और मेयर को किया अगवा, यूक्रेन का आरोप, आतंक फैला रहा है रूस। रूस यूक्रेन के बीच भीषण संघर्ष जारी, राजधानी कीव की ओर बढ़ रही है रूसी सेना के हमलों से तबाह हुए पूरे के पूरे गांव, मारियुपोल के बाहरी हिस्से पर रूस का कब्जा। यूक्रेन के दोनेत्स्क में 3 बड़े धमाके, कामटोस्क शहर के कई किलोमीटर तक सुनी गई धमाकों की आवाज, सुबह यूक्रेनी सेना ने दोनेत्स्क पर गोलीबारी की। यूक्रेन के इवानो फ्रैंकोविस्क में हवाई हमले का अलर्ट, लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया, सायरन लगातार बज रहे। शांति वार्ता की अटकलों के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा रूस से जंग में मारे गए करीब 1300 यूक्रेनी सैनिक। ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन में जो हो रहा है वो कल यूरोप में होगा, सभी को लड़ने की जरूरत है। युद्ध के बीच ज़ेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा युद्ध में रूसी सेना को भारी नुकसान हुआ है, रूस भेज रहा है और सैनिक। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर आरोप, कहा पुतिन को नेटो पश्चिमी देशों के टूटने का भरोसा था लेकिन उन्हें कुछ हासिल ही नहीं हुआ। यूक्रेन के विदेश मंत्री का बयान, कहा हम बातचीत के लिए तैयार हैं लेकिन नहीं करेंगे आत्मसमर्पण। रूस यूक्रेन युद्ध पर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, कहा अमेरिका के पास पुतिन से बात करने वाला कोई नहीं, यही हालात रहे तो युद्ध तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो जाएगा। यूक्रेन की मदद के लिए खुलकर आया अमेरिका, हथियारों के लिए $200 मिलियन की मदद करेगा। यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा, रूसी सेना को पहुंचाया भारी नुकसान, अब तक $5.1 अरब के रूसी उपकरणों को नष्ट किया। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच संयुक्त राष्ट्र का बड़ा बयान, जंग की वजह से खाने की हो सकती है कमी। रूस यूक्रेन जंग से पैदा हुआ मानवीय संकट, यूएन के मुताबिक 25 लाख लोगों ने छोड़ा यूक्रेन। हमलों के खौफ के बीच सुरक्षित निकाले जा रहे शरणार्थी, इरपिन से बड़ी संख्या में पलायन कर रहे हैं। कीव में रूस के हवाई हमले जारी, हमलों के बाद बिगड़े कीव के गांवों के हालात। रूसी हमले के बाद से अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन लौटे, यूक्रेन के स्टेट बॉर्डर गार्ड सर्विस ने दी जानकारी। पोलैंड में शरणार्थियों के आने का सिलसिला जारी, वॉर्सा रेलवे स्टेशन पर कैंप लगा रहे हैं रिफ्यूजी। यूक्रेन के वोल्नोवाखा में भारी तबाही, युद्ध में पूरे तरीके से बर्बाद हुआ वोल्नोवाखा। यूक्रेन के चेर्निहिव में रूसी सैनिकों की रेड, रूस के रक्षा विभाग ने जारी किया वीडियो, घरों में सैनिकों ने तलाशी ली। रूसी सेना ने जारी किया वीडियो, 1100 यूक्रेनी टैंक्स को मार गिराने का दावा। यूक्रेन का रूसी सेना पर बड़ा आरोप, कहा कीव के पास एक बच्चे समेत 7 लोगों को गोली मारी। मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने जारी की सैटेलाइट की तस्वीरें, हमलों के बीच मारियुपोल में बिगड़े हालात, कई इमारतें हुई तबाह। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का दावा, कीव चेर्निहिव दोनेत्स्क में रूस ने की जमकर गोलीबारी, एक होटल और अस्पताल को बनाया निशाना। खार्किव में रूसी सेना के लगातार हमले जारी, खार्किव में दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन की सेना ने किया दावा, कहा खारसोन में मार गिराए 2 रूसी हेलीकॉप्टर पायलट को ले जाता दिखा अस्पताल। ऊर्जा संकट के बीच रूस का बड़ा बयान, कहा अगर यूरोपियन यूनियन रूसी गैस तेल पर लगता है बैन तो ऊर्जा क्षेत्र में गतिरोध के लिए तैयार है रूस। यूक्रेन पर रूस के हमलों के बीच भावुक करने वाला वीडियो सामने आया, यूक्रेन पोलैंड बॉर्डर पर एक वॉलंटियर ने बच्चे को दिया लॉलीपॉप, बच्चे के चेहरे पर मुस्कान। जंग के बीच यूक्रेन के ओडेसा ऑर्केस्ट्रा ने की शांति की अपील, फ्री स्काई नाम से कंसर्ट किया। जंग में लगातार बढ़ रही हताहतों की संख्या, सामने आई दिल दहला देने वाली तस्वीरें, जगह जगह पड़े दिख रहे हैं सैनिकों के शव। जंग में शहीद हुए यूक्रेनी सैनिक की सम्मान से निकाली गई अंतिम यात्रा, लोगों ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी।
नेक्स्टा टीवी ने जारी किया वीडियो। वीडियो में रूसी हमले का विरोध करते दिखी लड़की, पुलिस ने हिरासत में लिया। इसराइल के तेल अवीव में रूस के खिलाफ प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने पुतिन से युद्ध रोकने की अपील की। यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए आगे आया जर्मनी, मोल्डोवा में 2,500 लोगों को देगा शरण। रूसी हमले के विरोध में जर्मनी की डॉश बैंक का बड़ा फैसला, रूस में अपना कामकाज बंद किया। क्रेमलिन में रूसी नागरिकों को दी नसीहत, कहा यूक्रेन संघर्ष पर शर्मिंदा होने वाला रूसी अकेले रूसी नहीं। यूक्रेन के निकोले में रूस का बड़ा हमला, रूसी सेना ने की जबरदस्त गोलीबारी। यूक्रेन में रूस के हमले तेज, यूक्रेन के डोनेस्क में हालात हुए बदतर, चारों ओर तबाही का मंजर। यूक्रेन में रूस का ताबड़तोड़ हमला जारी, यूक्रेन के डेनिप्रो पर रूसी सेना ने किए 3 हमले, फैक्ट्री जलकर खाक। Presenting B News App, available on Google Play and App Store. Download it now.